अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से वजन से वाटा जाएगा। एक और बार इस शुभ संदेश में यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक भाई बहन का स्वागत करता हूँ और मैं भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने अवसर दिया कि आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन को बता सको। आई हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आई हम पढ़ेंगे रोमियो 14 का उसका 1, 2, 3, 4 तक। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपने संगति में ले लो और परंतु उनकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह संपत्ति खाता है। खाने वाले खाने वालों पर दोष लगाए, क्योंकि परमेश्वर उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी से संबंध रखता है, वरन ये वो स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। तो प्रभु करे इन वचन के द्वारा हमारे हृदय को आशीष करे। और यहाँ पर जो संत पौलुस जो पवित्र आत्मा के द्वारा इस बातों को लिखता है कि जो विश्वास में निर्बल है, जो विश्वास में कमजोरी है, उसे अपने संगति में ले लो, उसको अपने फेलोशिप में ले लो। जो विश्वास में निर्बल है, कमजोरी है, उसको हम लोग नकारे नहीं, उसको हम लोग साइड में नहीं करें, मगर यहाँ पर वचन साफ बताता है कि उसको अपने संगति में ले लो। वो कमजोरियों को जो बलवान थे उसको अपना संगति में लेने का, जो कमजोरी है उसको हम लोग पीछे की ओर नहीं बढ़ाने का, उसके ऊपर नकारने का नहीं, मगर उसको हम आगे बढ़ाने का। जो बलवान लोग हैं उनका कार्य है। तो यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है कि है ना, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपने संगति में ले लो। मतलब जो विश्वास में कमजोरी है, हर एक व्यक्ति कलीसिया में बराबर नहीं है। कई जो विश्वास में मजबूत रहेगा, कई विश्वास में बहुत कमजोर रहेगा। लगा परमेश्वर का वचन हर एक सुनने वाले को पवित्र आत्मा यहाँ पर हमें बोलता है कि जो विश्वास में मजबूत है और जो कमजोरीपन लोग को उनका करते हैं कि हर एक जो विश्वास में मौजूद है, जो कमजोरी है, उनको अपने संगति में लेने का, उनको अपने फेलोशिप में लेने का, उनको हम उनको प्रभु में उनको विश्वास में उनको बढ़ाने का। यहाँ पर प्रभु का वचन साफ बताते मैं कई बार हम क्या करते है ना, जो विश्वास में कमजोर है हम उसको नकारते, उसको हम नहीं तो फिर उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उसको जाने दो। जो विश्वास है हम जैसा मजबूत है हम उसके साथ, मगर परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ बताता है कि वो कमजोरीपन को हम लोग जो बलवान लोग हैं उनको उन संगति में रह के उनको हम लोग उनके उनको प्रभु में और बढ़ाए। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है और उनकी शंकाओं पर विवाद ना, उनके शंकाओं का विवाद नहीं करें। कई बार हम लोग का हम बैकग्राउंड देखते, कई बार हम सोचेंगे हम लोग जन्म से ही पैदाई से हम मसीह है, हम अच्छी तरह वचन जाते, इसको कुछ नहीं मालूम है। कई बार भेदभाव करते, कई बार ये सब बात हमारे अंदर बने रहता है, मगर परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता उनकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। शंकाओं के ऊपर विवाद करो मत, डिबेट मत करो। और यहाँ पर पवित्र आत्मा बोलते हैं एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है। एक विश्वास करता है मजबूत में, विश्वास में मजबूत है, उसको विश्वास रहता है कि सब कुछ खाना, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वो संगपात खाता है। जो विश्वास में निर्बल है वो संगपात खाएगा, वो वेजिटेबल खाएगा, वो नॉन वेज नहीं खाएगा। मगर ये याद रखना चाहिए कि जो वो कमज़ोर है तो वो चीज़ों को खाएगा। और यहाँ पर और आगे यहाँ पर जो लिखा है कि संगपात खाता है, और यहाँ पर बोलता है कि खाने वाले
ना खाने वाले को तुच्छ जाने। कई बार हम बोले कि सब कुछ खाने चाहिए, मगर वो खाने वाला को वो सिर्फ साग पात खाएगा, वो सिर्फ वेजिटेबल खाएगा, वो नहीं तो सिर्फ दाल रोटी खाएगा, नहीं तो सब्जी खाएगा। मगर यहाँ पर वो लिखा है कि खाने वाले खाने वालों को के ऊपर तुच्छ ना जाने, तुच्छ नहीं जाने। यहाँ पर हम उसका अर्थ तो कुछ समझ नहीं चाहिए। यहाँ पर पवित्र आत्मा हमको क्या सिखाता है कि यहाँ पर वही बताता है कि हम वो विश्वास में कमजोरीपन हो के भी हम उसको तुच्छ नहीं समझना चाहिए। वो थोड़ा भी वचन बताया, थोड़ा भी प्रार्थना किया, उसको जितना आता है बोला, मगर उसको तुच्छ नहीं जानना चाहिए। ये लिखा है जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है। क्या प्रभु का शिष्य सब लोग मजबूत था? नहीं, मगर प्रभु ने उनको अपने साथ लिया। क्या प्रभु उनके शंका का विवाद किया? नहीं, प्रभु ने उनको सबको बढ़ाया, अंत तक प्रभु ने उनको प्रेम रखा। और प्रभु का जीवन को देखो, यहाँ पर जैसा हमारा प्रभु किया है, और यहाँ पर बाइबल हमको साफ बताता है कि शास्त्र हमको यहाँ पर बताता है कि हम क्या करें। वो सांग उस ये परंतु विश्वास में निर्बल है वो सांग पात खाता है, वो सिर्फ वेजिटेबल खाएगा। वो कमजोरी है विश्वास में, वो निर्बल है। निर्बल लोग को, बलवान को, निर्बल को संभालने का है। ये हम सब सुनने वालों को ये बातों को याद रखने चाहिए कि जो मजबूत मसीह है वो कमजोरी मसीह को संभालने का उसका कर्तव्य है। उसको उसको उसका दायित्व है कि उसको संभाले, उसको मजबूत करे। हम क्या करते हैं? मजबूत है तो हम उनके साथ ही, मजबूत लोग के साथ ही संग नहीं। मगर वचन यहाँ पर बताता है कि उनको क्या करें और उनको मजबूत करने चाहिए। और उस सांग पर परंतु खाने पर तूत न जाने, ना खाने वाले खाने वालों पर दोष लगाए, ना खाने वाले पर दोष लगाए। दोष लगाने वाला बहुत रहता है, कलीसिया में मिलते हैं दोस्त लगा, हमेशा उनका काम है दोस्त लगाने का, गलतियों को ढूंढने का, उनको वहाँ से बाहर निकालने का, झगड़ा फूट करने का। दोस्त लगाना है शैतान का कार्य, हमेशा शैतान वो रहता है, पकड़ो इसको, दोस्त लगाओ। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला है? दोस्त मत लगाओ, तुम पर भी दोस्त न लगाए। कई हम दूसरे का बुराई करने के लिए, कई लोग को बहुत अच्छा रहे सामने, हाथ में पीछे से बुराई करते रहते, एक्सपर्ट है। मैं खुद का उनका जो बुराई करेगा, समझो उनके उदाहरण, उनके बेटा का कोई बुराई किया से कैसा लगी हो, तभी उनको जब उनके कुछ दोस्त लगा उनको कैसा लगी। इसके लिए वचन यहाँ पर पवित्र आत्मा हमको बोलता है कि दोष नहीं लगाए। प्रभु यीशु मसीह भी मत्ती में बोला कि दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तू क्यों अपना भाई का, पहले अपना आँख का गंदगी को बाहर निकल, तेरे अंदर कितना बुराई है। वो ऐसा बुराई करता है, तू ऐसा नहीं करता, मगर तू दूसरा करता रहेगा, तो उसमें से भी बाहर निकल। क्या तू प्रभु के नज़रों में एकदम परफेक्ट है? क्या प्रभु के नज़रों में तुम्हें एकदम पवित्रता है? तो यहाँ पर इस बातों को याद लगाए कि दोष ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर उसे ग्रहण किया है, प्रभु ग्रहण किया है। तू कैसा आविष्कार कर रहा है? परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है, परमेश्वर ने उसके विश्वास को इतना भी भाई, तेरा विश्वास राय के दाना का जैसा। परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है, परमेश्वर जब वो व्यक्ति प्रभु को अपना जीवन में स्वीकार किया है तो परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है।
तो हम भी उसे ग्रहण करने छे, वो भी हमारा भाई है, उसको तुच्छ नहीं जाननी छे। यहाँ पर पवित्र आत्मा हमको यहाँ पर साफ बोलता है कि तुच्छ मत जान, दोष मत लगा। एक दिन तेरे ऊपर भी बहुत सारा दोष आ सकता है, ऐसा है कि प्रभु भी तेरे को मदद नहीं करेगा उस समय, क्योंकि जो परमेश्वर ने उस भाई को जो ग्रहण किया है, प्रभु उसको ग्रहण किया है, तू कौन है जो उसको अविश्वास करने वाला, तू कौन है जो उसको मना करने वाला कलीसिया में आने का। अगर परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया, वो परमेश्वर का संतान है, तो तेरा कोई अधिकार नहीं उसके ऊपर। इसके लिए यहाँ पर प्रभु का वचन, पवित्र आत्मा यहाँ पर हमें बोलता है कि क्या बोलता है, यहाँ पर परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है, और वहाँ पर दूसरी बात बोलता है कौन है जो दूसरे सेवक पर दोष लगाता है। जो प्रभु का सेवा के सेवा करता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, सेवक पर दोष लगाता है, उसका गिरना उसका उसके स्वामी के हाथ में, प्रभु के हाथ में, वो स्थिर भी कर सकता है, प्रभु उसको स्थिर भी रख सकता है, परमेश्वर उसको स्थिर रख सकता है। इसके लिए दोष लगाने का, अगर जो दोष हमेशा ढूंढता है गलती, वो हमेशा उसका कार्य वही रहेगा, शैतान का दोष लगाने का, दोष लगाने का, उसको पकड़ने, इसको 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 भड़काने का, वो अपने आप को ऊंचा, मगर परमेश्वर की नज़रों में तू अच्छा नहीं रहेगा। तू दोष लगा रहा है, मगर तू जाके उसको समझा रहा है क्या? प्रभु का वचन यहाँ पर साफ बोलता है, दोष मत लगा, तुम पर भी दोष न लगाया जाए। और उसके बाद यहाँ पर बोलता है, तू कौन है जो प्रभु का सेवक के ऊपर दोष लगाता है? सगिरना उठना प्रभु के स्वामी के हाथ में स्थिर है, प्रभु उसको स्थिर रख सकता है, प्रभु उसको खड़ा भी कर सकता है। तो इस बातों को हम याद रखें, हम अपने आप को झांचे, हम अपने आप को देखें। जब दोष बार बार लगाता है, जो दूसरे के ऊपर बार बार गलती को ढूंढता है, तो वो व्यक्ति जो ढूंढ रहा है, तो वो ऐसा लगता है कि वो बहुत परफेक्ट है, वो कोई गलती नहीं करता है, वो बहुत अच्छा है, अपने काम में सब में एकदम परफेक्ट है, उसके अंदर एक भी गलती नहीं है। मगर याद रखना, जब परमेश्वर आपका गलती निकालेगा, तो बहुत सारी बुराई को निकलेगा, बहुत सारी उंगली उठेगा। इसके लिए परमेश्वर का वचन बता, उसका गिरना स्थिर उसके स्वामी के हाथ में, तुच्छ नहीं जानना, दोष मत लगा, तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। विश्वास में जो निर्बल है उनको अपने संगति में लो, उनके शंकाओं के ऊपर विवाद मत करो। प्रभु ने उसे ग्रहण किया है, तू कौन है जो उसको तू जानता है, तू कौन है जो उसको आविष्कार करता है, तू कौन है जो उसको नखारता है? अगर परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है, तो परमेश्वर ने उसको स्वीकार भी किया है कलीसिया में। तो प्रभु करे ये वचन के द्वारा, सुनने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, प्रभु हम सबको आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो, आमीन।